कहाँ हो तुम? ओहो, आया माया आया, तुमने तो सारा घर सर पे उठा लिया है। बोलो। मैंने तुम्हें दवाई लेने भेजा था, मोनिशा को लेने नहीं। ओहो, मोनिशा के पास बहुत अच्छी दवाई है जुकाम की, पी लो। ये लीजिए मम्मी जी, भगवान का नाम लेके पी लीजिए। तुम्हारे घर की दवा है तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। बड़ी जानी पहचानी सी बोतल है। ओह माय गॉड, ये खटमल मारने की दवा है मोनिशा, दिस इज पॉइजन। ओहो माया, कम ऑन, सिर्फ शीशी पॉइजन की है। मोनिशा ने उसे 2-3 बार पानी से धोया है, धूप में सुखाया है, फिर इसमें दवाई भरी है। तो क्यों ओरिजिनल शीशी में नहीं रख सकते थे दवा? ओह शायद उसमें गरम मसाला रखा है। नहीं मम्मी जी, ये दवाई बोतल में आती नहीं है, लक्कड़ बाबा तो इसे गगरी में से निकाल के देते हैं। लक्कड़ बाबा? सारे मर्ज की एक दवा, इसे पीते ही आप ठीक हो जाएंगी। क्यों? मुझे नहीं ठीक होना है। यू मम्मी जी, मैंने इसके 21 रुपए दिए हैं। ओह माय गॉड, 21 रुपए? हाँ माया, वो तो 51 रुपए मांग रहे थे, लेकिन मोनिशा ने बड़ी तगड़ी किस्म की बार्गेनिंग की उनके साथ, कहा हम लोग बहुत गरीब हैं। What? हाँ मम्मी जी, ऐसा करने से डिस्काउंट मिलता है। बाबा के चेले ने तो तरस खा के मुझे एक चम्मच फ्री भी दे दी इस बॉटल में, सिर्फ 21 रुपए में। हेलो। अरे ऐसे फोन नहीं आंसर करते दूसरे का। रोशेश भैया। हाय स्वीटी। अबे तो रोशेश की मम्मी बोल रही है क्या? क्यों ऐसे सड़क छाप आवाज में क्यों बोल रहे हो? किसी नए रोल की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो माया सारा भाई बोल रही है ना? हेलो, तुम कौन हो? रोशेश कहाँ है? ध्यान से सुन। क्या हुआ माया? ये छपरे बेटा मेरे कब्जे में है। हिंदू किडने नवाद करो उससे। मामा मुझे बचा लीजिए। बेबी क्या? जिंदा देखना है तो 1 करोड़ रुपया तैयार रखना कैश, नहीं तो तेरा ये बेटा। बेबी बप्पू बेबी, किसी ने रोशेश को किडनैप क्यों किया साहिल? खुले हम किसी को अपनी कविता सुनाई होगी रोशेश ने। You are not funny, इंद्रवदन। लेकिन मॉम, उन गुंडों ने हमें 2 दिन की मोहलत दी है। तो 2 दिन तो शांति एंजॉय करनी चाहिए ना हमें। इसको क्यों नहीं किडनैप करता कोई? पेन। उधर मेरा बच्चा बेचारा खतरे में है। तो ये खतरा तुम्हें तब नजर नहीं आया जब उस गुंडे हरिराम डोगरा के दारू के अड्डे पे तुमने रेड करवाई थी उस महिला समाज कल्याण सेंटर की औरतों के साथ मिलकर? वो नकली दारू का इल्लीगल अड्डा था। वहाँ स्कॉच भी डुप्लीकेट बेचते हैं, स्टेनलेस स्टील के ग्लासेस में सर्व करते हैं, और मंचिंग में मूंगफली के भजिए। और कोइंसिडेंस देखो, उस अड्डे का नाम क्या था बताओ साहिल, बताओ। मनीषा लिकर बार। It was so horribly middle class. And middle class लोग बेचारे दारू अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बंद करवाया था वो अड्डा। ये उसी का बदला है, हरिराम अपना नुकसान वसूल कर रहा है तुमसे 1 करोड़ रुपए मांग कर। मगर रोशेश भैया के लिए 1 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ मोनिशा, थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन अगर वहाँ कोई स्कीम चल रही होगी ना तो हमको 15% डिस्काउंट भी दे देंगे वो लोग रोशेश के लिए। मॉम, आई थिंक वी शुड कॉल द पुलिस। डोंट कॉल द पुलिस, उन लोगों ने धमकी दी है। नहीं, हम लोग पैसे दे देंगे, 1 करोड़ ही तो है इंदू, वी कैन अफोर्ड इट। मॉम मान लीजिए कि हमने उन्हें 1 करोड़ दे दिए, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि वो हमें कल फिर परेशान नहीं करेंगे? लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो रोशेश की एक एक उंगली काट करके हमको भेजेंगे। एक एक उंगली कैसे भेजेंगे साहिल, कुरियर से? आई मीन अगर एक साथ सारी उंगलियां भेजे तो सस्ता नहीं पड़ेगा? मोनिशा कम से कम उन किडनैपर्स के पैसे बचाने की फिक्र मत करो प्लीज। वो रोशेश की जान। नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, जानवान नहीं लेते वो लोग। बिल्कुल, अब पिछले साल मेरे गिरीश चाचा किडनैप हुए थे बिहार में, किडनैपर्स ने उनसे 20 लाख रुपए मांगे थे, घर वालों ने देने से मना कर दिया, तो 4 दिन बाद गिरीश चाचा को अपने आप छोड़ दिया उन लोगों ने। सुन लिया सुन लिया। अरे कौन गिरीश चाचा,
अरे जो ऐसा बोलते हैं ना, मोनिता तायल तेता है वो। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? किडनैपर्स ने उनकी जुबान काट दी थी ना, लेकिन जान से नहीं मारा था। हाँ, अगर रोसेश की जुबान काट दी तो? नहीं साहिल, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज। हाँ, और रोसेश तो वैसे ही अजीब तरह से बात करता है। नहीं, हम दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे, प्लीज हम पैसे दे देंगे। माय बेबी, मॉम रिलैक्स, रिलैक्स, कूल डाउन। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं टीवी चलाती हूँ। कुछ आएगा उसमें? उसका पति सिर्फ मेरा है का रिपीट टेलीकास्ट है, देखकर मन को शांति मिलेगी। तुम इसे प्यार करते हो साहिल, इसीलिए तो, वरना। साहिल, दादी जी ने बार्गेनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया होगा ना, जस्ट इमेजिन, 1 करोड़ से सीधे 25 लाख। वो किडनैपर्स मोनिशा के दूर के रिश्तेदार रहे होंगे। Can you believe it? They actually said, तुम्हारी भी नहीं, हमारी भी नहीं, 25 लाख में फाइनल करते हैं। हो गया दुष्यंत, कम ऑन। हाँ बस हो गया। एक्चुअली इसमें कंप्यूटराइज्ड रिमोट लॉक होना चाहिए, लगवा दे। नो, अगर वो किडनैपर्स ये बैग नहीं खोल पाए तो मुझे भी किडनैप कर लेंगे। Come on, no back, let me do something now. खैर तुम नहीं जा सकते बाबा, वो इंस्पेक्टर स्वामी तुम्हारा दोस्त नीचे पहरा दे रहा है, वो तुम्हारा पीछा करेगा। वो इंस्पेक्टर स्वामी तो मुझे भी जानता है, फिर क्या करें, किसको भेज, मोनिशा को भेजे क्या? नहीं नहीं, वो किडनैपर्स को पैसे देकर के बैग वापस मांगेगी ना। मतलब हम बैग वहाँ छोड़ के आने वाले थे? मम्मी जी, मैंने इस बैग के पूरे 350 रुपए दिए। तुमने? ठीक है साहब, तुम इस बैग में सिर्फ 24,99,650 रुपए ही रखो। 350 रुपए बैग के मतलब 25 लाख पूरे, राइट? मैं तुम्हें 350 दे दूंगी, बट प्लीज दुष्यंत को भेजे। कोई चारा भी तो नहीं है? हाँ मैं जा सकता हूँ, इंस्पेक्टर मुझे बिल्कुल नहीं जानता। लकी इंस्पेक्टर। हाँ लाओ बैग लाओ। विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सारा भाई।